बिल्कुल, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है। मुझे लगता है कि कल तक मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी थे, राष्ट्रीय पशु थे, लेकिन अब अगर आपको बदलना है तो आप किसी को बदल सकते हैं, क्योंकि एक ज़माने में हमारे पास मीडिया नहीं था, अब मीडिया है। एक ज़माने में हमारे पास सिर्फ अखबार था, न्यू मैसेज के लिए मोबाइल नहीं थे, हम पत्र लिखते थे। तो चेंज तो होता ही है। पहले धोती पहनते थे, फिर कुर्ता पहनते हैं, पहले वड़ा पाव खाते थे, बर्गर खाते हैं। तो पहले मोर नेशनल पक्षी था, मोर को थोड़ा बोलो कि यू आर नो मोर, गाय को रखो, क्योंकि आप लोग तो करने लगे एक दूसरे को भी लोग कहते हैं हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू गाइस। अब जो गाइस गाइस जबान पे आ ही गया है, तो गाय को राष्ट्रीय पक्षी बनाने में क्या प्रॉब्लम है? राष्ट्रीय पशु, सॉरी, राष्ट्रीय पशु बनाने में क्या प्रॉब्लम? हाँ, और वैसे भी देखा जाए तो मोर तो राष्ट्रीय पक्षी हो गया, तो कोई कंपेरिजन तो है ही नहीं वैसे भी। तो राष्ट्रीय पक्षी रखिए, इनको राष्ट्रीय पशु रखिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि गाय जो है सचमुच माता है, उसका दूध हमें काम आता है, उसका दही हमें काम आता है, घी हमें काम आता है, गोबर गैस तक काम आता है। तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय नेशनल एनिमल बनाने में, राष्ट्रीय पशु बनाने में गाय को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए।